सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मी सत्यांश शर्मा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि क्या अभी से स्टार्ट करेंगे तो 99% आ सकते हैं, क्या दो महीने में या तीन महीने में पढ़ाई करके तुम्हारे 99% आ सकते हैं। तो इसका आंसर यस है। मेरे जो भी मार्क्स आए हैं वो इन्हीं दो से तीन महीने में पढ़ के आए हैं, और जनरली सबके इसी आखिरी मोमेंट में ही आते हैं। हाँ, उन्होंने 11, 12th में कोचिंग कर रखी होती है तो उन्हें एक बेसिक आइडिया रहता है, लेकिन जब वो एक पंच कहते हैं जैसे, वो आखिरी के दो से तीन महीने में ही करते हैं। कैसे रिवीजन करना है, कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, उसी पे हम लोग डिस्कस। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, कॉपी पेन तुम अपने निकाल लो, पॉइंट्स नोट करते जाना जो जो मैं बोल रहा हूँ। पॉइंट नंबर वन ये है कि वो टॉपिक्स को नोट डाउन करो जो जेई मेन्स में पूछे जाने वाले हैं 2022 में, या 2023 वाले भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और फिर उनको सेग्रीगेट करो तीन पार्ट्स में। अब इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, हाउ टू स्कोर 60+ इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। मतलब अलग अलग वीडियो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की, मैं तीनों वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें जो सेग्रीगेशन हम करने वाले हैं वो अलग होने वाला है, हम पहले स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसमें एनालाइज कर रहे होंगे। तो टॉपिक्स को नोट डाउन करो, उनके अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पैटर्न में लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को नोट डाउन करो, फिर एवरेज टॉपिक्स जिसमें तुम बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं हो, देन थर्ड इजी टॉपिक्स को नोट डाउन करो। इन टॉपिक्स को नोट डाउन करने के बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, वो ये कि ट्राई टू इम्प्रूव द एवरेज टॉपिक्स। देखो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का क्या है, वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है लेकिन उनसे टच भी नहीं खोना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देना है, नहीं तो फिर वो तुम्हारी एवरेज टॉपिक्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। हमें ये काम नहीं करना है, हमें करना है एवरेज टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग टॉपिक की कैटेगरी में पहुंचाना है। तो अब इसके लिए एक ही तरीका है कि एवरेज टॉपिक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि जब तुम्हारा एवरेज टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक में पहुंच जाएंगे तो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो बड़ी हो जाएगी, जिससे तुम्हारे जेई मेंस में ज़्यादा नंबर लाने के चांस भी बढ़ जाएंगे भैया। लेकिन वीक टॉपिक्स का क्या करें, तो वीक टॉपिक्स का अगर तुमने अभी तक दो साल में नहीं किए हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तुम आखिरी के दो महीने में कर लो। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, लेकिन आखिरी के दो महीने में वीक टॉपिक्स पे उतना तुम कमांड नहीं कर सकते कि उनको एवरेज टॉपिक्स तक थोड़ा बहुत ले जा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा बेनिफिट इसमें रहेगा कि तुम एवरेज टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में ले जाओ। तो वीक टॉपिक्स पे बस थोड़े बहुत फॉर्मूले देख लेना, ऊपर से कोई ज़रूरत नहीं इतना डेप्थ में जाने की अभी वीक टॉपिक्स की, राइट। अब थर्ड पॉइंट ये है कि कीप लर्निंग न्यू थिंग्स या न्यू कॉन्सेप्ट्स या न्यू फॉर्मूलाज जो भी तुम्हारे मन में आ रहे हैं, या मन में नहीं, इन द सेंस जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो भी तुम्हारे सामने न्यू फॉर्मूलाज आ रहे हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, वो याद करो। काफ़ी लोग कहते हैं कि आखिरी के हमें टाइम में न्यू फॉर्मूलेज या न्यू कॉन्सेप्ट्स नहीं याद करने चाहिए, मैं उस बात पर इतना एग्री नहीं करता। वो जो बात कहते हैं वो आखिरी के एक आध महीने के लिए होती है, आखिरी के 15-20 डेज के लिए वो कहते हैं, बट अभी हमारे पास 2-2.5 महीने बचे हैं तो अभी हम गो थ्रू कर सकते हैं जितने भी न्यू थिंग्स या न्यू कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि जब तुम एग्जाम दोगे वहाँ बैठ के, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तुमने देखा तो तुम सोचो, रिग्रेट होगा तुम्हें अगर वो नहीं सॉल्व कर पाए कि यार ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम देखा था, काश मैंने इसको नोट डाउन कर लिया होता अपने शॉर्ट नोट्स में या अपने नोट्स में, डिटेल नोट्स में नोट डाउन कर लिया होता तो आज मैं ये क्वेश्चन कर पाता। और एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस तुम्हें भी पता है कि चार नंबर से कितने ज़्यादा परसेंटाइल और रैंक में वेरिएशन आता है। तो न्यू टॉपिक्स पे ध्यान दो, उनको अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहो। फोर्थ पॉइंट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर थ्योरी में इतना ज़्यादा जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना फ़ायदा रहेगा। थ्योरी में हमें किस में जाना है, केमिस्ट्री में जाना है, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जाना है, फिजिकल में उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अब थ्योरी की। फिजिकल फॉर्मूलाज याद करो और प्रैक्टिस करो PYQs के, पहले जेई मीन्स 2021, 2020 एंड देन 2019 के प्रैक्टिस करो PYQs। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ये प्रैक्टिस वाला पार्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, राइट। इसमें थ्योरी से ज़्यादा काम नहीं होता तुम्हारा, क्योंकि अगर तुम वहाँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, अगर तुमने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो हार्डली वो तुमसे सॉल्व होने वाला है। स्पेशली अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स का टफनेस लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है पिछले दो सालों में। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, अवॉइड डीप डाइविंग इनटू थ्योरी। फिफ्थ पॉइंट कि मॉक टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी उसको इंक्रीज करो, राइट। इस पे मैंने वीडियो बनाया कि हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मॉक टेस्ट का ये होता है कि उसको एनालाइज कैसे करें, क्योंकि मॉक टेस्ट तो हर कोई देता है लेकिन एनालाइज नहीं करता है, तो उसको एनालाइज करना भी सीखो। सिक्स्थ पॉइंट, कीप रिवाइजिंग फॉर्मूलेज ऑन रेगुलर बेसिस, ये मैंने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के लिए भी कहा है
और जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं उनके फॉर्मूले वगैरह देखते रहो, वो अपने आप इंप्रूव होते रहेंगे ग्रेजुअली, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देना फॉर्मूले स्पेंडिंग, फॉर्मूले याद करने में। आखिरी के फॉर एग्जांपल वीकेंड पे तुम याद कर सकते हो, या किसी दिन तुम्हारी कोचिंग नहीं है या स्कूल नहीं, उस दिन थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन पहले ट्राई करना कि एवरेज टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में ले जाएं। वो जो मैंने पहला दूसरा पॉइंट बोला था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एवरेज को स्ट्रॉन्ग में पहुंचाओ। इसके अलावा जो एक की पॉइंट है जो काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी लोग इसको कहते हैं कि जो तुम्हारा सिलेक्शन होता है वो केमिस्ट्री से होता है, रैंक जो इंप्रूव होती है वो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से होती है। काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर तुम NCERT रीड करके जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है तुम्हें, अराउंड 85% 90%। 25 क्वेश्चंस है तो तुम NCERT पढ़ने पे 22-23 क्वेश्चंस कर सकते हो। केमिस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बाहर से पूछ देते हैं, NCERT से ही पूछते हैं। हाँ, थोड़ा डेप्थ में जाके पूछ देते हैं, एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाते हैं, तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट रहती है NCERT की। और देखो, जितने भी लोग वीडियोज़ देख रहे होंगे वो उनमें से सबका या तो फिजिक्स या मैथमेटिक्स एक पार्ट ज़रूर स्ट्रांग होगा। केमिस्ट्री वीक हो सकता है, मैं मानता हूँ केमिस्ट्री मेरा भी वीक था, केमिस्ट्री सबका वीक होता है, लेकिन ये वो टाइम है जहाँ तुम्हें केमिस्ट्री इंप्रूव करना है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि रीड NCERT। फिजिक्स और मैथमेटिक्स अगर तुम्हारा एक स्ट्रांग है, केमिस्ट्री भी तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी, तो ये दो सब्जेक्ट पकड़ के तुम एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। और अगर तीसरा सब्जेक्ट एवरेज पे भी है तो भी तुम बहुत बढ़िया स्कोर ला सकते हो। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे रिवाइज करें प्रॉपरली JEE के सिलेबस को 2 महीने में। और ये जो मैंने पॉइंट बताया था कि नोट डाउन द टॉपिक्स, ये तुम किसी प्रीवियस ईयर की बुक में कंटेंट दिए रहते हैं वहाँ से डायरेक्ट नोट डाउन कर सकते हो, या NCERT से भी नोट डाउन कर सकते हो। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।